असल यूर्स माइन रिजमान चीमा आई वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ़ पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद आज के इस वीडियो में पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद के जो सबसे एग्जेटिव ब्लॉक और सबसे लीड ब्लॉक है वाले से जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंबर्स पूछते हैं कि इस ब्लॉक में प्लाट के रेट्स के हैं तो उस हवाले से आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा इस वक्त आप स्क्रीन पर जो घर देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन हो रही है पार्क्यो सिटी ब्लॉक ई में जो पार्क्यो सिटी इस्लामाबाद का सबसे एक्जैक्टिव ब्लॉक है तो पाकिस्तान के काफ़ी फिल्म स्टार टी वी स्टार सिंगर्स जैसे बताबला खान सहेलवी कह रहे मोहम्मद हफीज़ कह रहे डिफरेंट क्रिकेटर्स के इस ब्लॉक में घर बन रहे हैं तो इस ब्लॉक की खास ऐसी क्या बात है कि हर बंदा इसको प्रेफर करता है और यहाँ पर इतने एक्सपेंसिव रेट्स होने के बावजूद यहाँ पर जो प्लाट्स हैं वो तो डिमांड में रहते हैं इस ब्लॉक की कीमत है छः करोड़ रुपया पर, पर कनाल जहाँ पर टेरेस प्लाट हैं और पाँच करोड़ पर कनाल जहाँ पर नॉर्मल प्लाट हैं ब्लॉक ई में पार्क सिटी इस्लामाबाद में अगर हम बात करें यहाँ पर इतनी एक्जेक्टिव ब्लॉक की क्या हाइप है या इतना इसको क्यों लीड कहा जाता है तो उसकी वजह यह कि इसके एलिवेशन अगर आप पार्क सिटी के इस ब्लॉक में प्लाट देखते हैं तो आपको सब से ज्यादा एलिवेटेड ब्लॉक पार्क सिटी इस्लामाबाद तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी काफी एलिवेटेड है लेकिन इस सोसाइटी के अंदर भी सबसे एलिवेटेड ब्लॉक है उसका नाम है ब्लॉक ई अब ब्लॉक ई के अंदर जो प्लॉट्स हैं सारे के सारे प्लॉट्स पचास बाय नब्बे अगर हम बात करें स्क्वेयर फीट में तो फोर्टी फाइव हंड्रेड स्क्वेयर फीट स्क्वेयेर यार्ड में बात करें तो पाँच सौ गज़ और कनालों में बात करें मरलों में बात करें तो बीस मरला या एक किनाल के प्लाट बनते हैं अब इस ब्लॉक के अंदर जितने भी प्लाट्स हैं उनकी अगर आप एलिवेशन की बात करें तो इन जनरल वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन अच्छी बनती है जो पार्क सिटी से आपको यहाँ से पीछे वाले जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पर ब्लॉक ए बी आपको नजर आ रहे होंगे तो आपको एलिवेशन का अंदाजा हो जाएगा ये एक पहाड़ी के ऊपर है यानी बिल्कुल ऊपर पहाड़ के और दूसरे जो प्लॉट्स बनते हैं वो दूसरी साइड थोड़े से नीचे बनते हैं यानी कि वो डिप्रेशन वाला ब्लॉक है लेकिन इसकी एलिवेशन में उसकी एलिवेशन में जमीन आसमान का फर्क है तो अगर लेट्स से एक ब्लॉक हो जिसकी दूसरे नॉर्मल ब्लॉक के साथ जो हाइट का डिफरेंस हो वो डेढ़ सौ से दो सौ फुट हो और उस पर आप कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो जाहिर सी बात है शाम को आपको पूरा जो है एक लैंडस्केप जो मिलता है वो पार्क ऑफ सिटी इस्लामाबाद का कंप्लीट लैंडस्केप मिलता है क्योंकि पार्क ऑफ सिटी को फेमस इसलिए कहा जाता है कि पार्क ऑफ सिटी जो है वो एक अलीम खान की सोसाइटी विजन ग्रुप की और सेकंडली कि पार्क ऑफ सिटी इस्लामाबाद की ओवरऑल इन जनरल जो लोकेशन है वो सेंटर डाउन टाउन इस्लामाबाद के सबसे पास बनती है यानी कि आप जब भी कहीं प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो मैं अक्सर बात करता हूँ वीडियोज़ में कि प्रॉपर्टी का जो रेट होता है वो आपका बनता है कि आपकी प्रॉपर्टी सेंटर उनता इस्लामाबाद या जीरो पॉइंट से कितनी दूर है तो जितनी भी सोसाइटीज लॉन्च हो रही हैं जहां पर रेट्स कम होते हैं प्लॉट के प्राइसेस कम होती हैं तो वहाँ जहर सी बात है कि जीरो पॉइंट इस्लामबाद से उनका डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होता है आप दस से बारह लाख का प्लाट भी लोगों ने खरीदा है इस्लाम मंडी के डोमेन में इस्लाम आबाद का क्या कि लेकिन इस्लामाबाद से अस्सी नब्बे किलोमीटर दूर होते हैं चालीस पचास किलोमीटर दूर की बाउंड्री में जाएँ तो आपको इकतीस बत्तीस लाख का प्लाट मिलता है पाँच मल्ला का और आमतौर पर अगर इस्लाबाद के डोमेन के अंदर हैं तो आपको अस्सी से पचासी लाख कनाल का पाँच मल्ला का प्लाट मिलता है डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन जैसे पारगिट सिटी इस्लाम में हिल स्टेट है वहाँ पर पचासी लाख का प्लाट है पाँच मल्ला का और ये प्लाट है एक कनाल का प्लाट है वो छः करोड़ का है अब देखा जाए तो पचासी लाख अलग से एक पाँच महिला बन रहा है हिल स्टेट में तो उसको मल्टीप्लाई बाई चार कर लें तो आपके पास नंबर जो है तकरीबन आना चाहिए तीन करोड़ चालीस लाख का कनाल का नंबर लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो छः करोड़ का है उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जितनी कटिंग्स हैं वो तमाम की तमाम कटिंग सबसे एलिवेटेड और सबसे जो नियरेस्ट आपका डाउनटाउन टाउन मर्कज़ बनता है दिवाक के नाम से उस मरकज़ के नजदीक तरीन इसकी लोकेशन भी बनती है और एलिवेशन बहुत अच्छी बनती है इस वक्त तो में टॉक यूनिवर्सिटी ब्लाक ई का मैप देख सकते हैं और इस अगर मैप की हम बात करें तो इस मैप में तकरीबन दो प्लॉट्स आपको इन जनरल कनाल के नज़र आते हैं अगर हम फोर्टी वेस्टेज भी ऐड करें यानी स्ट्रीट का वेथ है फोर्टी फीट और फिफ्टी फीट तो हम फिफ्टी के फीट के साथ देखें तो आपको तकरीबन दो सौ अस्सी किनाल का टोटली ब्लॉक मिलता है जो पहाड़ की सबसे ऊंचे पॉइंट बनता है इसके बाद एक और पॉइंट भी है लेकिन उस पर हिल स्टेट आएगा तो मैं आपको इन जनरल जरा एलिवेशन एक्सप्लेन कर दूँ अब ये पार्क सिटी की ब्लॉक की जनरल एलिवेशन है मेरे ख्याल है मैं इसको रोटेट कर दूं ताकि मेंबर को 360 डिग्री से व्यूज मिल जाए कि इसमें एलिवेशन किस तरह से बनती है अब ये एलिवेशन जो आपको नजर आ रही है ये पार्क्यू सिटी की इन जनरल ब्लॉक बी से आप डिफरेंस देखें ये ब्लॉक ए ये सामने वॉक है इसके सामने ब्लॉक ए बी भी आते हैं तो उससे अगर आप डिफरेंस लगाते हैं हाइट का तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नज़र आता है ये इस वक्त पार्क सिटी इस्लामाबाद में आपको ब्लॉक ई e की प्रॉपरली जो है यहाँ से एलिवेशन का आइडिया हो जाएगा बाकी मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 360 पे ताकि इन मेंबर्स को जनरल आइडिया मिल सके कि पार्क ओ सिटी की लोकेशन किस तरह से बनती है ब्लॉक ई e की तो ब्लॉक ई e में जितने भी प्लॉट्स हैं वो तो तमाम के तमाम सिर्फ और सिर्फ एक किनल के साइज़ पे वाक्य हैं और ओवरऑल इन जनरल आपको थ्री व्यू यहाँ से पूरे ब्लॉक से वैसे ही देखने को मिलता है पार्क सिटी इस्लामाबाद का ओवरऑल मैं, मैं आपको थोड़ा लाइट कर दूँ बाकी मैं चीज़ें आगे साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा अच्छा सबसे पहले अगर आप पार्क यू सिटी इस्लाबाद में एंटर होते हैं सबसे पहले ये रोड है यानी आप इस पॉइंट तक आते हैं तो इस रोड तक मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो आपको डाउन टाउन वॉक इस पॉइंट तक थी इस राउंड बोर्ड तक अगर आप आते हैं तो आपको फिजिकली यहां तक इस ब्लॉक से आगे ये रास्ता जाता है जो ब्लॉक ई e की तरफ जाता है जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रास्ता सिर्फ ब्लॉक ई e और ब्लॉक एफ के लिए ब्लॉक एफ में पांच मिला की कटिंग्स हैं जिसका एवरेज रेट है नब्बे से पचानवे लाख रुपए कैश पे और यहां पे इंस्टॉलमेंट का रेट जो है प्लॉट का वो मैंने बता दिया छः करोड़ और पाँच करोड़ का रेट है छः करोड़ टेरेसिस के प्लॉट हैं जो ये वाले प्लॉट्स बनते हैं ये वाले जो फ्रंट बैक ओपन प्लॉट हैं और बाकी जो पीछे वाले प्लॉट्स हैं ये वाले ये सारे के सारे बनते हैं पाँच करोड़ के और जो एक साल के पेमेंट प्लान पे आपको अवेलेबल हैं पार्क सिटी इंस्टॉल पार्क सिटी इस्लामाबाद में इंस्टॉलमेंट्स पे अच्छा जी स्टार्ट से बात करते हैं कि जी एंट्री गेट से कितने डिस्टेंस पे है ये आपका एक्सेस रोड है या आपका यह या मलोट रोड जाता है ये रास्ता भी आगे पार्क सिटी को जाता है बट इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है ये बैरियन क्ले वाला रास्ता है अगर आप आ रहे हैं चक्शातार से तो इस पॉइंट तक अब इधर से मूव करते हैं आगे की तरफ तो इस पॉइंट पर आगे ये पॉइंट पे पार्क सिटी का गेट नजर आता है अगर मैं गेट से स्पेसिफिकली इस एरिया की लोकेशन को मैयर करूँ कितनी लोकेशन पर बनता है कितने डिस्टेंस पर बनता है तो ये गेट का स्टार्टिंग पॉइंट है सबसे पहले आप आते हैं इस पॉइंट से होते हुए इस द वॉक कमर्शल के राउंड अबाउट पे अब द वॉक जो कमर्शल है यहाँ पे भी प्लॉट जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और मेरा ख्याल है कि जब ये सारा एरिया मुकम्मल पार्क से डिलीवर होगा तो शायद सबसे डिज़ायर्ड और सबसे डिमांडिंग जो एरिया होगा वो ब्लॉक ई ही होगा लेटेस्ट स्टेज पे जाके क्योंकि आपको मैंने वीडियो में आई थिंक ये दस बार बिपीट कर चुका इसकी एलिवेशन के एलिवेन मैटर करती है तो जब भी आप घर बना के रहते हैं तो आपने ज़्यादा पता शाम को अपने ऑफिस से या अपने बिजनेस से जब घर पर आना है तो आपको डेफिनेटली एक ऐसी स्पेस चाहिए थी जहाँ पे आप आराम से रह सकें आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए हर लिहाज से हर मिनिटी आपके डिस्टेंस पे हो यानी यहाँ से अगर मैं गेट से देखूँ तो डिस्टेंस बनता है वन पॉइंट फाइव फाइव किलोमीटर्स का तो इसमें डिस्टेंस को थोड़ा सा माइनस करता हूँ सिर्फ मैं मर्कज का डिस्टेंस देखता हूँ द वॉक का द वॉक का डिस्टेंस जो बनता है वन पॉइंट फाइव फाइव में से आप जीरो पॉइंट एट नाइन माइनस कर लें तो आपको छः सौ मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ द वॉक सेंटर कमर्शियल हब मिलता है यानी हाफा किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये वाला एरिया मिलता है अगर हम सिंपली बात करें ब्लॉक के चार साइड्स की कि ब्लॉक के चार साइड पे कौन से एरिया लोकेटेड है मैंने लास्ट टाइम मेरी कर दिया जीरो पॉइंट से तो आप जीरो पॉइंट से अठारह किलोमीटर इस पॉइंट तक बनता है अठारह पॉइंट अठारह पॉइंट सिक्स किलोमीटर कर लेंगे आपका पारव्यू का डिस्टेंस बनता है ब्लॉक ई e का फ्रॉम द सेंटर डाउन टाउन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद जीरो पॉइंट अब इसकी चार साइड्स की अगर बात करें ब्लॉक ई e की तो पार्क सिटी ब्लॉक ई e के जो चार साइड्स बनती हैं उसमें सबसे पहले नॉर्थ साइड पे से देखें ऊपर वाली साइड पे तो आपका बनता है ब्लॉक एफ जहाँ पे पांच वल्ला की कटिंग्स हैं अगर हम बात करें ईस्ट साइड पे तो ईस्ट साइड पे यहाँ पे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी बनता है अगर हम बात करें इसकी वेस्ट साइड पर तो वेस्ट साइड की यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट हैं ब्लॉक एच की और इसके अलावा यहाँ पे इसकी वेस्ट साइड पर बनता है आपकी हिल बनती है यहाँ पे ये हिल स्टेट के प्लॉट्स यहाँ पे आएंगे जो 85 फाइव लाख की इंस्टॉलमेंट प्लान पे आज के डेट में अवेलेबल है ढाई साल का पेमेंट प्लान है तो अगर आप इससे भी अच्छी एलिवेशन लोकेशन चाहते हैं पाँच मल्ला के प्लॉट को मद्देनजर रखते हुए तो आपको ये, ये एलिवेशन चूज़ कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे 25 फाइव डाउन पेमेंट के साथ यहाँ भी आप ट्वेंटी डाउन पेमेंट के साथ प्लाट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कीमत जो है वो छः करोड़ इन प्लाट्स की है ये टेरिसिज प्लाट है और पाँच करोड़ इन जनरल ये जो प्लॉट्स बनते हैं इन प्लॉट्स की कीमत है ये तमाम के तमाम प्लॉट्स जो हैं सिवाय जो मार्क प्लॉट हैं ये येलो जो प्लॉट्स हैं ये अवेलेबल नहीं है बाकी तमाम के तमाम प्लाट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं आई थिंक इस प्लॉट पे यहाँ पे आई गेस अल खान सिल भी सब घर बन रहा है या इस पर घर बन रहा है यहाँ पर कहीं बन रहा है आई एम नॉट श्योर टू बी एग्जैक्ट मैं उनसे मिला नहीं हूँ साइड पर खैर मैं ब्लॉक ही मैं रेगुलर जाता भी नहीं हूँ तो ये ओवरऑल चार साइड की हम बात करते नॉर्थ साइड पर ब्लॉक एफ ईस्ट साइड में ब्लॉक ए और बी और पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर ब्लॉक ई e. अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे हिल स्टेट और नीचे वाली साइड पर बात करें तो ब्लॉक एच और यहाँ पे 600 मीटर के डिस्टेंस पे आपका डाउनटाउन टाउन दी वॉक कमर्शियल बनता है और जीरो पॉइंट से एटीन किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट इसका डिस्टेंस बनता है पार्क्यू सिटी ब्लॉक ई का और इन जनरल यहाँ पे जितनी सोसाइटी जितनी भी मेंबर्स जिनके पास यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो तमाम के तमाम मेंबर्स पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं उनका हर हाल में मतलब एक नर जनरली आप बताते हैं किसी को यार कि मेरा पार्क सिटी ई ब्लॉक में प्लॉट है तो किसी इंडिविजुअल को ये भी ऑलरेडी पता होगा कि वहाँ पर ताबला इस खैलवी का मोहम्मद हफ़ीज़ का मुश्ताक अहमद का एंड डिफरेंट क्रिकेटर्स सो फार एंड सोन में नाम लेना शुरू करूँ तो शायद ये वीडियो सिर्फ इसी नामों में निकल जाए इन जनरल इतने पाकिस्तान के बड़े सेलिब्रिटीज़ के प्लाट हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी जो लोकेशन बनती है वो भी इसी ब्लॉक की बनती है क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज़ ने अगर इसको प्रेफर किया है तो इट मीनस के इट

इट्स वर्थिंग वर्थ इट तो ये रीज़न है कि इस वक्त सिटी ब्लॉक ई में प्लॉट्स की जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। छः करोड़ और पाँच करोड़ का रेट आपको मिलता है पार्क सिटी इस्लाम में इन जनरल यानी कि उसकी डाउन पेमेंट जो बनती है प्लॉट की अगर आप छः करोड़ और प्लाट टेरेसिस का प्लाट लेते हैं तो आपकी डाउन पेमेंट जो बनती है छः करोड़ की वो बनती है आपकी डेढ़ करोड़ जो बनती है ट्वेंटी फाइव परसेंट डाउन पेमेंट और जो बैलेंस पेमेंट है साढ़े चार करोड़ वार क्वार्टर्स में पे करनी है अगर हम बात करें सिंपल प्लॉट की पाँच वन कनाल की तो उसकी कीमत है पाँच करोड़ जिसकी डाउन पेमेंट है सवा करोड़ और उसकी तीन करोड़ पचहत्तर रुपया तैंतीस लाख पचास हजार रुपया आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती है तो ओवरऑल इन जनरल आपके पास जो सॉरी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट उसकी बंदी तिरानवे लाख पचहत्तर हज़ार रुपया तो ये ओवरऑल अल पार्क्यू सिटी इस्लाम की इन जनल लोकेशन है सो फिर दिस वजट फ्रॉम टुडे अगर आपको पार्क्यू सिटी इस्लाम में किसी और ब्लॉक के वाले से कोई भी वीडियो देखनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने खिलाफ का एसार जरूर करें और हमारी वेबसाइट को विजट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए ख़ुदा